हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ए बी सी थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं ए बी सी और ये आप देख रहे हो ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी। इसको सॉल्व करके हम चाहते हैं कि जो आंसर है वो ए बी सी आए, और ए बी सी थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए बी और सी के ऐसे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हों। तो लॉजिकली सोचेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिक एंड ट्रायल मेथड से पॉसिबल नहीं होगा इजीली सॉल्व करना इसको। देखें आप, ये आप देख रहे हो टू डिजिट नंबर प्लस टू डिजिट नंबर प्लस टू डिजिट नंबर, यानी लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो टोटल तीनों का सम होगा वो लेस देन 300 होगा, लेस देन 300 होगा। मींस जो यहाँ आप देख रहे हो जो ये थ्री डिजिट नंबर बनेगा वो नंबर लेस देन 300 होगा, और उससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो ए है ए इज आइदर वन और टू। ए का तो पता चल गया, ए की वैल्यू या तो वन होगी या टू होगी। तो इसका मतलब एक बार हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू वन, अगर ए की वैल्यू वन है तो देखें, अगर ए की वैल्यू वन है तो वन वन बी बी और सी सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन बी और सी। देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी आंसर देगी हमें। तो और उसके लिए एक और पॉइंट है हमारे पास, जब आप देख रहे हो इन तीनों का सम वन बी और सी का सम सी आएगा। आपको पता है इन नंबर्स को ऐड करते हुए सी सम आए वो केवल तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का जो सम है वो 10 हो, और दोनों के सम का 10 मतलब 1 और b अगर 10 होगा तभी तो 10 प्लस सी सी आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जाता है जो b है उसकी वैल्यू क्या होगी, 9, यानी 1 1 9 9 सी सी, और यहाँ से ये 1 9 सी हो जाएगा। ए का पता चल गया, बी का चल गया, और जब वन प्लस नाइन टेन होगा तो यहाँ मेरे पास वन कैरी होगा, वन कैरी होगा। और यहाँ से अब आप देखें क्या लगता है, ये मेरे पास सी आएगा तो नाइन प्लस वन टेन प्लस वन इलेवन हो गया, नाइन प्लस वन टेन प्लस वन इलेवन हो गया। इसका मतलब सी की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये मेरे पास 19 का ही नहीं 9 आ जाए। तो 11 प्लस सी इज इक्वल टू 9 या 19 आप फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास इस सी की जो वैल्यू है वो 8 हो जाती है, यानी 119988 इनको हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 198, यानी a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 9 c इज इक्वल टू 8। एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये आ जाती है वैल्यूज ऑफ ए बी सी सच दैट ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इज इक्वल टू ए बी सी। क्या सेकंड पॉसिबिलिटी होगी, अगर वो चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 बी बी सी सी इज इक्वल टू 2 बी सी, और हमें पता ही है 2 प्लस बी की वैल्यू 10 होनी चाहिए, 2 प्लस बी की वैल्यू 10 तभी होगी जब b की वैल्यू क्या होगी 8, यानी b की वैल्यू क्या हो 8, और b की वैल्यू 8 पुट करोगे तो 2 2 8 8 सी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 8 सी 2 8 सी, और यहाँ 1 कैरी होगा क्योंकि 2 प्लस 8 10 प्लस सी यहाँ आ जाएगा 1 कैरी। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या लग रहा है, इन सब का सम 28, ई की वैल्यू अगर 7 पुट भी कर दें हम, ई की वैल्यू अगर 7 पुट कर देते हैं तो ये मेरे पास 187 होगा, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए 2, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना था तो केवल पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 8, तो ओनली वन सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहा गया है, रमेश हैज आस्क्ड टू राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 41 टू 100। रमेश को क्या कहा गया कि 41 से 100 नंबर्स को लिखे और उनको ऐड करे, ऐड करना है 41 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस सो ऑन 100 तक है,
98 प्लस 99 प्लस 100 ऐड करके इसने वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा इनका सम। लेकिन क्या कह रहे हैं, ही मिस्ड एग्जैक्टली वन, एक नंबर को इसने मिस कर दिया। जब इनको ये ऐड कर रहा था रमेश, इसने इनमें से किसी एक नंबर को मिस कर दिया बाई मिस्टेक एंड गॉट रॉन्ग रिजल्ट, और उसका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग रिजल्ट आया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्ट ही गॉट, मतलब ये जो फोर ऑप्शंस हैं इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसका रिजल्ट नहीं हो सकता, वो किसी भी नंबर को मिस करे तो इनमें से ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जो उसके टोटल में नहीं आएगी, वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उससे पहले हम एक्चुअल सम का, जो ये एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक्चुअल सम क्या होगा। और एक्चुअल सम आप सॉल्व कर सकते हो, एक्चुअल सम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, 43 एंड 98 इनका जो सम है वो 141, 42 और 99 का सम 141, 41 एंड 100 का सम 141, और 41 से 100 तक हमारे 60 नंबर्स होते हैं। टू पेयर्स का सम, ईच टू पेयर्स का सम 141 है, तो टोटल सम क्या आ जाएगा 141 into 30 को सॉल्व करेंगे तो 3 into 1 3, 3 into 4 12, 3 into 1 3 plus 1 4 to 30। अगर उसने नंबर को मिस नहीं किया होता, अगर उसने नंबर को मिस नहीं किया होता तो उसका सम क्या आना चाहिए था 4 to 30। रॉन्ग रिजल्ट क्या आ सकता है, जैसे इसका क्या ये ठीक है 4170, तो अगर हम 4 to 30 में से 4170 को माइनस करें, तो अगर माइनस करते हैं ये जो डिफरेंस आएगा 60। इसका मतलब हो सकता है कि उसने जब इन नंबर्स को ऐड किया तो उसने 60 को मिस कर दिया हो। अगर इसको ऐड करते हुए उसने अगर 60 ऐड नहीं किया होगा, अगर उसने 60 ऐड नहीं किया होगा तो 4170 उसका आंसर आ सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा रिजल्ट नहीं आ सकता। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, 4230 माइनस 4205, माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 25, और 25 इसमें हमारे पास है नहीं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग ऑप्शन, उसने 25 मिस कर दिया तो 25 तो मिस कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर होगा। सी और डी को अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी पेयर ऑफ इंटीजर्स, ध्यान दें, हाउ मैनी पेयर ऑफ इंटीजर्स आर देयर सच दैट ट्वाइस द सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब सपोज इंटीजर्स जो हैं x एंड y है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ इंटीजर्स, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इंटीजर्स, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इंटीजर यानी 2 into x plus y is equal to their product, x y is equal to their product। और हमें यहां से फाइंड आउट करने की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखें, 2x plus 2y plus xy है, माइनस xy is equal to 0, और यहां से आप देख रहे हो क्या होगा, x को अगर आप कॉमन लेते हो इनमें से, x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस वाई प्लस वाई है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं क्या होगा, माइनस माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 माइनस वाई, अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 मैंने किया, माइनस 4 किया, माइनस 4 किया तो प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से 2 माइनस वाई कॉमन क्या रह जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस साइन से और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 4, और टू नंबर्स के प्रोडक्ट 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, 1 into 4, 2 into 2, -1 into -4, -2 into -2, क्योंकि इंटीजर्स गिवन है तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं। ये हमारे पास फोर पॉसिबिलिटीज मीन्स ऑप्शन सी इज
करेक्ट आंसर। ध्यान रहे कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इंटीजर्स कहा है, तो हम डायरेक्ट यहीं से पॉसिबिलिटीज कह देंगे। अगर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स वगैरह का होता तो हम यहाँ से इनकी सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते, और जो पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट होती उसको रूल्ड आउट करके टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में इंटीजर्स है तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि फोर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रहे इंटीजर्स सेटिस्फाइज 1 अपॉन m प्लस 4 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 को सॉल्व करना है, लेकिन साथ में कहा क्या है, n इज एन ओड इंटीजर लेस देन 60, n ओड इंटीजर होगा लेस देन 60 होगा। तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 4 अपॉन n, एलसीएम लेंगे 12n क्या होगा n माइनस 48, ये हमारे पास 1 अपॉन m की वैल्यू है। अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 12n अपॉन n माइनस 48, ये m की वैल्यू। लेकिन अब ये m की वैल्यू में साथ में हमें ये ध्यान रखना है m और n इंटीजर्स हैं, m और n इंटीजर्स हैं, लेकिन साथ में हमारे पास n जो है वो ऑड इंटीजर है लेस देन 60, और m और n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर होगी तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है जो पार्ट है n माइनस 48 से क्लियर हो जाता है कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, n की जो वैल्यू है वो 48 से ग्रेटर होगी। 48 से ग्रेटर क्या क्या हो सकती है, 49 ओड नंबर कह रहा है, 49, 51, 53, 55, 57, 59। और अगर हम यहाँ से देख के कहते हैं कि 9, 2, 4, 6 ऑप्शन तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साथ में एक कंडीशन और भी चेक करनी है, n तो इंटीजर हो गया ओड इंटीजर, लेकिन साथ में m भी इंटीजर है, m और n दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इसमें से आप देख रहे हो अगर मैं 49 पुट करता हूँ, n की वैल्यू 49 पुट करता हूँ तो m इंटीजर आ जाएगा। 51 पुट करते हैं तो 51 माइनस 48 थ्री, 12 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो अगेन इंटीजर आ जाएगा। 53 अगर यहाँ n की वैल्यू 53 पुट करते हैं तो 53 माइनस 48 5 हो जाएगा, 5 उसको कैंसिल नहीं करेगा तो इंटीजर नहीं होगा। सिमिलरली अगर 55 पुट करते हैं तो भी इंटीजर नहीं होगा। 57 अगर 57 पुट करते हैं, 55 में भी इंटीजर नहीं होगा, लेकिन अगर 57 पुट करते हैं तो देखो 12 इंटू 57 अपॉन 57 माइनस 48 यानी 9, और 9 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 से ये 19 यानी इंटीजर आ जाएगा, इसके इंटीजर होगा। तो इसका मतलब 57 भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर 59 पुट करते हैं तो m इंटीजर नहीं होगा, मतलब 3 सॉल्यूशन में हमारे पास 3 सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस एंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ए नंबर इज इंटरेस्टिंग इफ ऑन एडिंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स को ऐड करें ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज इक्वल टू द नंबर। सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स को ऐड करें तो वो नंबर आ जाता है। तो हाउ मेनी सच टू डिजिट्स, हम दें टू डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल, टू डिजिट्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। सपोज वंस प्लेस x, tens place y, जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 10y plus x, क्या कहा है सम ऑफ डिजिट्स, x और y डिजिट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स यानी x plus y सम ऑफ डिजिट्स प्लस सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या होगा xy इक्वल टू क्या कहा गया है नंबर, नंबर मीन्स 10y प्लस x, 10y प्लस x आप देख रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, xy इज इक्वल टू प्लस y है माइनस y हो जाएगा, 10y माइनस y मीन्स 9y और xy इज इक्वल टू 9y, इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू
नाइन वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि वाई की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। वाई की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती? कि हमने टेंस प्लेस वाई का है और ये हमारा टू डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू नाइन होगा, यानी वंस प्लेस है वो नाइन होगा, टेंस प्लेस भी हो सकता है। तो जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वो क्या होंगे हमारे पास? टू डिजिट चाहिए, नाइन नहीं कह सकते, टू डिजिट नंबर चाहिए, 19, 29, 39 and so on 99। टोटल ये हमारे पास कितने नंबर्स होंगे? कितने नंबर्स होंगे? नाइन नंबर्स होंगे। ऑप्शन सी इज नाइन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्या कहा है? इफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स वाई, फंक्शन की फॉर्म में है, ए ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपली मीन्स एडिशन, फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, एडिशन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्स वाई, एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सब्ट्रैक्शन, डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स अपॉन वाई डिवीजन। तो हमें एक्स की वैल्यू गिवन है 3, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 1, तो कहा गया है कि ये वाली जो वैल्यू है वो सॉल्व करें और क्या आएगा फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जहां से देख रहे हैं, एस ऑफ एक्स वाई, एस ऑफ एक्स वाई, एस ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ वाई जेड अगर हम सॉल्व करते हैं तो डी ऑफ वाई जेड का मतलब क्या होगा? डी ऑफ वाई जेड का मतलब, डी ऑफ वाई जेड का मतलब क्या होगा? वाई अपॉन जेड, और वाई अपॉन जेड यानी वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा। और इन दोनों से आप देख रहे हो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए ऑफ एस ऑफ एक्स वाई कॉमा डी ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू ए ऑफ एस ऑफ एक्स वाई, एस ऑफ एक्स वाई क्या है? 1 कॉमा डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ वाई जेड क्या है? 2 यानी ए ऑफ 1 2 एडिशन, ए ऑफ एक्स वाई क्या करें? एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस 2 यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये जो पार्ट सॉल्व करना है इसमें पहले वाला जो पार्ट है वो आ गया, सेकेंड पार्ट एस ऑफ एम जेड एक्स डी एक्स वाई चाहिए, तो हम पहले एम ऑफ जेड एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एम ऑफ जेड एक्स, एम ऑफ जेड एक्स मतलब एम ऑफ एक्स वाई क्या था? एक्स वाई, तो एम ऑफ जेड एक्स क्या हो जाएगा? जेड एक्स, और जेड एक्स का मतलब क्या होगा? 1 × 3 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स अपॉन वाई, अपॉन वाई, और एक्स 3 है वाई 2 है, तो 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 का मतलब 1 अपॉन 5। और इन दोनों से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस ऑफ एम ऑफ जेड एक्स कोमा डी ऑफ, ये वैल्यू सॉल्व करनी है, यानी एस ऑफ एम ऑफ जेड एक्स, एम ऑफ जेड एक्स क्या है? 3 कोमा डी ऑफ एक्स वाई क्या है? 1.5, और एस एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 1.5 यानी 1.5। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? एम ऑफ ए एस एक्स वाई डी वाई जेड, वो हमने क्या सॉल्व किया? थ्री कोमा, नेक्स्ट क्या था? एस ऑफ एम जेड एक्स कोमा डी ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू हमने सॉल्व की क्या आई? 1.5। और एम, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 3 × 1.5 यानी 4.5। आंसर जो है इसका, क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जीरो, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे एक्सक्लूडिंग एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, इसका मतलब अगर ये वाई है और ये एक्स है, इनके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो साथ में कहा गया है एक्सक्लूडिंग एक्स एंड वाई, एक्सक्लूडिंग एक्स एंड वाई मतलब एक्स और वाई को एक्सक्लूड करेंगे। सपोज मान लो मैं ये कहता हूँ
वाई की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू 8 है। इनके बिटवीन आप देख रहे हो 5, 6, 7, 5, 6, 7, यानी कितने नंबर्स होंगे, 3। वाई और एक्स के बीच में अगर हम नंबर फाइंड आउट करते हैं इंटीजर्स, तो वो क्या होंगे, 3। तो मैंने क्या कहा, वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3। तो यहाँ पुट करके देखो, एक्स माइनस वाई माइनस 1 में, यानी एक्स की वैल्यू 8 माइनस वाई की वैल्यू 4 माइनस 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 3, 3 आता है। मीनिंग में हम पुट करके देखेंगे तो नहीं आएगा, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, एक्स माइनस वाई माइनस 1। इसमें भी कर सकते हो, या हमें पता है कि यहाँ से ये दोनों जो नंबर हैं, ये वाई है ये एक्स है, वैसे तो क्या बनता है, एक्स माइनस वाई, लेकिन एक्स माइनस वाई डिफरेंस तब बनता है जब इन दोनों नंबर में से एक नंबर इंक्लूडेड हो, लेकिन इसमें एक भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब माइनस 1 करेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज फॉर्म सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नाइदर परफेक्ट स्क्वेयर नॉर परफेक्ट क्यूब नॉर फोर्थ पावर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मतलब एक सेट बनाना चाहते हैं, उस सेट में हम कोई परफेक्ट नंबर नहीं लेंगे, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं लेंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं लेंगे और कोई फोर्थ पावर नहीं लेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो उस सेट के एलिमेंट्स हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो कहा गया है कि 2024 एलिमेंट जो होगा इस सेट में, जैसे यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ, यानी मैंने लिखा एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, लेकिन मुझे इसमें ना परफेक्ट स्क्वेयर लिखना है, ना परफेक्ट क्यूब लिखना है, ना फोर्थ पावर लिखनी है, इसका मतलब मैं इसमें 1 नहीं लिखूंगा, 2 आएगा इसमें, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा, फिर 16 नहीं आएगा, एंड सो ऑन लिखते जाएं। तो इस सेट में जो 2024 इस पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, उस एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक और चीज़ देखें आप, जैसे ये फोर्थ पावर है, तो फोर्थ पावर तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फोर्थ पावर है वो ऑलरेडी स्क्वेयर पावर में कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले हम परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स क्या क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर 1, 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन, अगर हम काउंट करते हैं 45 स्क्वेयर, 45 स्क्वेयर जो है वो होता है 5 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर 25 और 4 into 5 20, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो कर सकते हैं ये 45 तक हो जाएंगे, उससे आगे का नंबर जो है वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, लेकिन 024 परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन 12 क्यूब, 12 क्यूब क्या हो जाएगा 1728, और अगर 13 क्यूब लेते हैं तो 13 क्यूब से काफ़ी आगे होगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट आप कर सकते हो, 13 क्यूब इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा हमारे पास 2197। अब इनमें कुछ कॉमन नंबर्स भी हैं, 6th पावर की, तो 6th पावर होंगी वो हमारे पास, जो 6th पावर होंगी वो हमारे पास इन दोनों में होंगी, यानी 1 raised to the power 6, 2 raised to the power 6 एंड होगी 3 raised to the power 6, थ्री नंबर्स होंगे। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वेयर हैं, परफेक्ट क्यूब हैं, लेकिन इनमें से ये हमें माइनस करने होंगे, नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वेयर एंड परफेक्ट क्यूब वो क्या होंगे, 45 plus 12, लेकिन इनमें से 3 नंबर्स रिपीट होंगे वो इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी 54। ये जो 54 नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर होंगे जो आइदर परफेक्ट स्क्वेयर और परफेक्ट क्यूब होंगे, फोर्थ पावर भी। जो एलिमेंट फाइंड आउट करना था 2024 एलिमेंट,
जीरो टू फोर्थ एलिमेंट जो फाइंड आउट करना था। इसका मतलब जब हम ये नंबर लिखते जाएंगे, इनमें से जो नंबर्स हम डिलीट कर रहे हैं वो हम कितने नंबर्स डिलीट करेंगे, 54 नंबर डिलीट करेंगे। तो जो 2024 फोर्थ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 2024 प्लस 4448 तो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 207 नंबर्स लिखते हैं। स्क्वेयर्स, परफेक्ट स्क्वेयर्स, नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर्स को डिलीट कर देते हैं, तो इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होगा, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, इफ ए बी सी डी एंड ई आर इंटीजर्स, ए बी सी डी ई इंटीजर्स हैं सच दैट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8, सी एंड सी बी इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 11, ई ये हमें गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नंबर दैट इज नॉट नेसेसरी, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है में से ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास इंटीजर आए। इसके लिए देखें यहाँ हमारे पास 4b है, हमारे पास 3b है, 4b और 3b, हम चाहते हैं कि दोनों वैल्यू सेम हो जाए। सेम कैसे होगी, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखें क्या होगा। इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3a is equal to 12b is equal to 8c है, इसको 3 से करेंगे तो 24c, यहां से ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12b हो गया, वो तो आ ही गया हमारे पास, is equal to 4 से करेंगे तो 24d is equal to 12 into 4 48e, ये सभी नंबर्स इक्वल होंगे। एंड सपोज अभी 44 के 48 के मल्टीपल हैं, तो मैं इसको 48k कह देता हूं। यहां से आप देख रहे हो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16k, b is equal to क्या होगा 4k, c is equal to 2k, d is equal to 2k, e is equal to, इनसे आप देख रहे हो अगर वैल्यू पुट करें a by 16 यानी 16k by 16 इंटीजर हो जाएगा, b by 4 4k by 4 इंटीजर हो जाएगी ऑप्शन, लेकिन हमसे कहा गया है कौन सी नहीं हो। इसमें आप देख रहे हो यहाँ मेरे पास b ऑप्शन में क्या है, a upon 18, a upon 18, a की वैल्यू में अगर 16k पुट करता हूँ, 16k upon 18, तो ये जरूरी नहीं कि ये इंटीजर हो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट। दिस लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, हाउ मेनी इवन इंटीजर्स n जो है वो लाई करता है बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 इंक्लूड है, नाइदर डिविजिबल बाय 7 नॉर डिविजिबल बाय 9। पहले आप ये देखें कि जो 100 और 200 हैं इनके बिटवीन इवन नंबर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इवन नंबर्स तो हमें पता है वो क्या होंगे, 100, 102, 104 एंड सो ऑन 200, ये टोटल कितने हो जाएंगे 51, ये नंबर्स कितने होंगे 51। अब हम इनमें से वो नंबर्स माइनस करेंगे जो डिविजिबल बाई 7 और डिविजिबल बाई 9 हो, लेकिन साथ में गिवन है इवन इंटीजर, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिविजिबल बाई 14, डिविजिबल बाई 14, डिविजिबल बाई 14, लेकिन जो नंबर है वो 100 और 200 के बिटवीन होने चाहिए, और वो नंबर हमारे पास क्या होंगे, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196 एंड डिविजिबल बाई 9 into 2, 18, 18, 18 की अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होंगे, 108, 126 और फिर 144, 162, 180, 198। लेकिन इनमें आप देख रहे हो कि ये एक नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर्स हैं, वन नंबर कॉमन है, तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई 14 और 18 होंगे वो कितने होंगे, 7 प्लस 6 माइनस 1 12,
12 ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 14 और 18 का है या डिविजिबल बाई 7 एंड 9, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है नाइदर डिविजिबल बाई 7 और डिविजिबल बाई 9। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे, 51 में से 12 माइनस करेंगे, और 51 में से 12 माइनस करते हो 39, ऑप्शन करेक्ट। आज के लिए इतना ही।